बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य SSC पर। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्य भारद्वाज और मैं ने आज आप अपने चैनल का नाम रखा है लक्ष्य SSC। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारी वो सीरीज वोकेबलरी वाली तो चल रही है, उसके पैरेलल हम EDM की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और EDM में मेरे पास इतनी है, लगभग 1000-1200 का भंडार मेरे पास लगा हुआ है नोट्स में। तो आपको मैं EDMs भी कराऊंगा, वन वर्ड्स भी कराऊंगा, आपको सिनोनिम एंटोनिम सब चीज़ कराऊंगा, और आपको ग्रामर के जो नियम टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं वो भी कराऊंगा, बहुत ही धांसू वाले कुछ रूल। मतलब सारी ग्रामर तो आप जानते होंगे, और लेकिन जो मिसलिनियस आप उनको बोल सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक के 10-15 हार्ड हार्ड रूल जो आपको शायद नहीं पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं EDMs की पहली वीडियो है फ्रेंड्स जी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है न्यू चैनल है मेरा, तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम EDM पढ़ेंगे एक बे में, जैसे आज हम लेके आए जिस EDMs में बुक बुक आता है ना लिखा हुआ, बुक बुक उन वाली EDMs को आज हम कवर करेंगे। SSC में इनमें से 4-5 EDMs कई बार आई हैं, तो इस वजह से मैंने सारी EDMs कवर कर ली जितनी भी इससे हैं। पहला है एक क्लोज्ड बुक, मतलब एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा आदमी जिसके बारे में बहुत कम जाना जाता हो, ठीक है। एक क्लोज्ड बुक होता है ए टॉपिक और पर्सन अबाउट विच हुम वेरी लिटिल इज नोन, ठीक है। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में, या ऐसी बुक या ऐसा टॉपिक या ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु कुछ भी जिसके बारे में बहुत कम जो बहुत कम जाना जाता हो। यानी कि जैसे आपके गांव का कोई भी पर्सन ले लो जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, तो उसे लोग कम ही जानते होंगे, ठीक है। एक क्लोज बुक। अगला है रीड समवन लाइक ए बुक, किसी को पढ़ना बुक की तरह, मतलब टू अंडरस्टैंड ईजिली वॉट समवन थिंकिंग और फीलिंग। रीड समवन लाइक ए बुक का मतलब है, सॉरी, टू अंडरस्टैंड ईजिली, मतलब किसी को बुक की तरह पढ़ लेना, इसका मतलब ये होता है कि ईजिली अंडरस्टैंड कर लो कि सामने वाला या कोई भी व्यक्ति क्या सोच रहा होगा और क्या महसूस कर रहा होगा, ठीक है। इन समवन्स गुड बुक्स, ठीक है, इसका ये यूज़ किया थी, यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवन इज़ प्लीज्ड विद यू। इन समवन्स गुड बुक्स का मतलब होता है, ये EDMs यूज़ की जाती है कि इसका मतलब होता है ये, मतलब जिस यूज्ड फॉर सेइंग दैट आपका आप जो हैं दूसरे के साथ आपका संबंध एकदम बहुत अच्छे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। आप एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध हैं, आपके किसी के साथ अच्छे संबंध हैं, इन संबंध विद गुड बुक गुड बुक्स। अगला है ब्रिंग संबंध टू बुक, यानी कि इसका मतलब होता है टू पनिश संबंध वैन दे हैव डन रॉन्ग, किसी को ब्रिंग संबंध टू बुक, ये EDM बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC में कई बार आई है। ब्रिंग संबंध टू बुक इसका मतलब होता है पनिश संबंध वैन दे हैव डन रॉन्ग, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति गलत कर दे तो उसको सजा देना, यानी कि ब्रिंग समवन टू बुक। डोंट जज अ बुक बाई इट्स कवर, ये तो आपने बहुत सुनोगी और 2-3 बार आई भी है। नॉट टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन ओनली फ्रॉम दियर अपियरेंस, मतलब किसी को उसके चेहरे के या जैसा वो दिख रहा है उसके अनुसार जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगला छठी EDM है एन ओपन बुक, खुली खुल्लम खुल्ला बुक, खुली बुक मतलब समवन दैट इज ईजी टू नो अबाउट बिकॉज नथिंग इज केप्ट सीक्रेट, ऐसा आदमी जिसके बारे में जानना सरल हो क्योंकि वो कुछ सीक्रेट रखता ही नहीं है, यानी कि खुल्लम खुल्ला आदमी, मतलब जैसे बोलते हैं ना एन ओपन बुक होती है उसकी। अगला है द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, द ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक, नई EDM आपने आज देखी होगी ये, ठीक है। ए डिसऑनेस्ट एक्शन दैट हैज़ बीन यूज मैनी टाइम्स बिफोर, एक ऐसी एक्शन, ठीक है, डिसऑनेस्ट एक्शन दैट इज़ यूज दैट हैड बीन यूज मैनी टाइम बिफोर, जो पहले भी कई बार यूज हो चुकी है, ठीक है। डिसऑनेस्ट ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक। अगला है बाई द बुक, बाई द बुक का मतलब होता है जब आप कोई काम कर रहे हो तो रूल्स के द्वारा करो तो वो होता है बाई द बुक। जैसे फॉलोइंग ऑल द रूल्स फॉर डूइंग समथिंग इन अ स्ट्रिक्ट वे, किसी काम को स्ट्रिक्ट वे में करने के लिए आप सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो होता है बाई द बुक्स। अगला है टेक ए लीफ आउट ऑफ समवन्स बुक, यानी कि किसी की बुक से
टेक ए लीफ, ऐसे करके पूछे तो इसका मतलब यही है कि कुछ चुराना, किसी का कॉपी करना, पेस्ट करना है। टू कॉपी व्हाट समवन हैज डज, यानी किसी ने जो किया उसकी चीज़ें कॉपी करना। बिकॉज दे आर सक्सेसफुल एट डूइंग इट, क्योंकि आप जिसकी कॉपी कर रहे हो उसने ऐसा किया था, वो इस वजह से सक्सेसफुल हुआ था। मतलब किसी सक्सेसफुल पर्सन की चीज़ों को कॉपी करना, वो होता है टेक ए लीफ आउट ऑफ समवंस बुक। ठीक है, एक दसवीं ईडियम है कुक द बुक्स, यानी कि बुक को पकाना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, पकाने का मतलब वही सेम टू सेम यहाँ पे जाके लगेगा, आप निकालें इसका। टू चेंज अकाउंट एंड फिगर डिसऑनेस्टली यूजली टू गेट मनी, यानी कि अकाउंट, ठीक है, अकाउंट आप समझते होंगे ना, मतलब हिसाब खाता, जो भी उसमें हिसाब वगैरह होते हैं, आंकड़े होते हैं, उन्हें चेंज करना बेईमानी से मनी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बुक से संबंधित 10 ईडियम थी, और 10 ही हैं, 10 के अलावा कोई नहीं है, और भी होगी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ठीक है, और ये 10 थी। इस 10 में से 4-5 ईडियम कई बार एसएससी में पूछी गई हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमारा सेशन समाप्त होता है यहीं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।